अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। भाई क्रोशिया के इंतहाई खूबसूरत डिज़ाइन आपकी नज़रों के सामने हैं। उम्मीद करते हैं आप सबको ये पसंद आएंगे। और सबसे मेन मसला है कि अगर आपको ऐसी वीडियोस पसंद आती हैं या आपकी कोई ख्वाहिश है तो आप कमेंट के ज़रिए बता सकते हैं। मज़ीद ये कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ज़्यादातर लोग वीडियोज़ देखने के बाद सब्सक्राइब नहीं करते, मगर हो सकता है आपको एक वीडियो पसंद आई हो, मगर मज़ीद देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। ये बहुत से खूबसूरत डिज़ाइन आपके लिए लेकर आई हूँ मैं। ये ऐसे डिज़ाइन हैं जो आप किसी भी चीज़ पर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, ना सिर्फ जर्सी वगैरह बनाते हुए या फिर कोई भी शॉल वगैरह बनाते हुए आप इन डिज़ाइन को पिक कर सकते हैं। और ये इंतहाई खूबसूरत डिज़ाइन हैं, ना सिर्फ डिज़ाइन पर बल्कि इनके कलर्स कम्बिनेशन पर भी ध्यान किया करें, क्योंकि बाज़ औक़ात ख़वातीन जो हैं वो एक ही कलर को लेके वो आगे चीज़ें तैयार करती रहती हैं, मगर ऐसे ही कम्बिनेशंस को ट्राई करके आप इंतहाई खूबसूरत जो है वो चीज़ बना सकते हैं। हमारे गांव में जो हफ्तीन होती हैं वो अपने बच्चों के लिए जहेज़ की तैयारी के लिए ऐसी चीज़ें बनाती हैं, मगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा अलग है, मैं जहेज़ के ख़िलाफ़ हूँ। मेरे ख्याल में जो औरत का सबसे मेन और अच्छा जहेज़ है वो इसकी तरबियत है, क्योंकि वो ऐसा जहेज़ है जो नस्लों तक मुंतकिल होता है। तो आप अपनी जो बेटियों की तरबियत पर ज़्यादा फोकस किया करें, क्योंकि बाज़ औक़ात जहेज़ भी औरत की ज़िंदगी को कामयाब नहीं बनाता, मगर उसका हुनर, उसकी तरबियत, उसका इल्म उसको कामयाब बनाता है, और ये चीज़ नस्लों तक जो है वो गर्दिश करती है। तो यही चीज़ आपके लिए सदका जारिया होती है, तो इस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान किया करें। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इन इतनी अच्छी बातों के साथ अच्छी वीडियोस भी आती हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।